किसी के नेम पर है हमारे पास उसने एक क्या किया एक शेल सिक्वेंस बनाया we have something known as cell shell sequence sequence kya hoti hai ki jo bhi aapka array ka n hoga aap uske half tak jate ho this is what the gap is right now by default then jo gap hoga wo kam hota chala jata hai and so on so what exactly it means it simply means ki aapke paas jo bhi array hoga uske andar aap first element ko compare करना शुरू करेंगे array के mid element n by टू के साथ Suppose mid में जाएंगे तो ये कोई भी element हो सकता है Let's take this element. तो यहां पर 70 कंपेयर होगा हमारा 41 के साथ और इन दोनों में जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको स्वैप कर दिया जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा इन केस अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कोई भी चेंजेस नहीं आते तो क्या होगा आप इस एरे की हम लोग जीरो को कंपेयर करने वाले फाइव के साथ क्योंकि यहां पर जो मेरा गैप है उसको आप समझ कर चलें कि एक कांस्टेंट गैप आप लेकर चल रहे हो वन टू थ्री फोर देर फोर एलिमेंट्स इन बिटवीन तो फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे सिक्स के साथ सेकेंड एलिमेंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे सेवन के साथ थर्ड इंडेक्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे एट के साथ फोर्थ को कंपेयर करेंगे नाइन्थ इंडेक्स एलिमेंट के साथ तो ये कंपैरिजन हम लोग करना है इन अवर फर्स्ट इटरेशन पहली आइट्रेशन में क्योंकि हमने जो शेल का सीक्वेंस लिया गैप लिया है दैट इज एन बाई टू तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं फोर्टी वन को सेवेंटी के साथ तो जब फोर्टी वन सेवेंटी वन कंपेयर होता है तो स्मॉल नंबर इज ऑब्वियसली फोर्टी वन तो यहाँ पर फोर्टी वन आ सकता है और यहाँ पर हमारा सेवेंटी आ जाता है दिस इज नंबर वन दिस इज द फर्स्ट 41 को 70 से किया अगर ये छोटा था तो इसको इधर लेकर आ गए अगर नहीं था पॉसिबल तो वो एज इट इज रहता नाउ इन सी दिस नेक्स्ट हमारे पास दो नंबर क्या आते हैं एक आता है तो दे आर ऑलरेडी सॉर्टेडी सिक्स एंड नाइनटी आर ऑलरेडी सॉर्टेड वो पहले से

पहली हम लोगों को ये आउटकम ये रिजल्ट मिलने वाला है तो आफ्टर दी फर्स्ट आइट्रेशन हम लोग देख सकते हैं कि जब उसको शॉर्ट करने जाते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा सो so, दिस वॉज दी फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट आइट्रेशन जिसमें कि एन बाई टू हम लोगों ने गैप लिया था अब जो हम लोगों का गैप होगा वो क्या होगा एन बाई फोर मतलब की जो भी था उसका अब आप हाफ कर सकते हैं इट्स टू दाफ ऑफ इट इसका जाकर क्या कर देते हैं हाफ हाफ कमिंग्स क्या होगा कि अब आप चार की जगह जो गैप होगा वो दो का लेकर चलेंगे यानी कि नाव यू आर गोइंग टू कंपेयर फोर्टी वन विद ट्वेंटी अब आपको किस किस को कंपेयर करना है यू हैव टू कम्पेयर फोर्टी वन विद

66, है, तो सिक्सटी सिक्स तो डेफिनेटली यहां पर आएगा ही आएगा अब क्या होगा अगर मैं जाकर यहां पर नेक्स्ट तो हाँ क्या प्लेस होगा इंडिविजुअली okay? we'll सॉर्ट करने जाएंगे क्योंकि तो अभी दो, -दो के इंटरवल में हम चल रहे हैं ऑल राइट right. तो ये भी दोनों हमारे कंपेयर हो जाते हैं नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज ट्वेंटी सेवन एंड सेवेंटी इनको कंपेयर करना शुरू करते हैं तो इसको जाकर क्या करना है अब हम लोगों ने यहां पर जैसे ही आप कंपेयर करेंगे सपोज लेट मी राइट है टेन को एंड फोर्टी वन को अब क्या होगा कि हम लोग एरे के अंदर ऑलरेडी यहां पर फोर्टी वन रख चुके हैं ठीक है ऑब्वियसली ट्वेंटी सेवन तो पोजीशन पोजिशन चेंज हो चुकी है यहां पर अब फोर्टी वन आ चुका है तो वी आर गोइंग टू कंपेयर टेन एंड फोर्टी वन तो आप फोर्टी वन को यहां से हटाकर इस जगह लेकर आ जाते हो लेकिन क्या टेन की ये पोजीशन सही होगी क्या टेन को यहां रखना वैलिड होगा ऑब्वियसली नहीं क्योंकि टेन के साथ अगर आप टू का गैप देखेंगे तो अगर तो उसके साथ ट्वेंटी सेवन को कंपेयर कर सकता हूं सो नाउ आई कैन सिंपली कंपेयर टेन विद ट्वेंटी तो दोनों में जो भी स्मॉलर होगा तो यहां पर जाकर अब आप रख दोगे ट्वेंटी सेवन को टेन आ जाएगा आपका यहां पर दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर ये यह जो आकर, अब अब हमने किया है ना एग्जैक्टली दिस इज वॉट द इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि 10 को जाकर आपने पहले कंपेयर किया जो इस इंडेक्स पर एलिमेंट था दो दो का गैप है क्योंकि वहां से देखा उसके पहले भी दो के गैप पर छोटा एलिमेंट अवेलेबल था नाउ आफ्टर प्लेसिंग एंड द वेरी फर्स्ट इंडेक्स हम लोगों को यह नजर आता है कि हाँ नाउ इट्स मच बेटर अब सेवेंटी आता है नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज सेवनटी सेवेंटी विल बी कंपेयर से कंपेयर करके कुछ नहीं फायदा 70 आ जाता है 93 इज आल्सो ग्रेटर 93 भी एज इट इज आ जाएगा नाउ 57 विल बी कंपेयर्ड विद 70 अब 57 और किसको कंपेयर करने वाले हैं हम 70 को कंपेयर करने वाले हैं तो जब 57 और 70 को कंपेयर करेंगे तो 70 विल अपीयर हियर दिस प्लेस प्लेस विल बी एम्प्टी और इसके बाद अब 57 एक्चुअली यहां आना चाहिए लेकिन मैं अगर उसके टू के पीछे जाकर और चेक करूं तो मुझे पता चलता है कि एक नंबर और भी उससे छोटा है तो इट्स रिमूव 66 फ्रॉम सिक्सटी सिक्स यहां आ जाता है और 57 सेवन यहां पर आ जाता है इसके बाद अगर आप और भी ज्यादा कंपेरिजन चाहते हैं लाइक इससे कंपेयर करते हैं अगर आप उसके बाद तो फायदा नहीं है डेफिनेटली कंपेरिजन कर सकते हैं ऑल राइट आफ्टर दिस नाउ द नेक्स्ट नंबर इज दिस ट्वेंटी टू अब 22 को कंपेयर करेंगे 93 से, 41 से, 27 से, इन सब के साथ करें अगर, तो नाइन्टी तो थ्री तो यहां से पहुंच जाएगा आपका इस जगह इसके बाद ट्वेंटी टू को कंपेयर करेंगे हम फोर्टी वन के साथ अब एक्चुअली अगर मैं ट्वेंटी 2 को 41 से कंपेयर करने जाता हूं तो 41 मेरा ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा ओके नाउ इट विल बी कंपेयर्ड विद 27 तो 27 यहां पर आ जाएगा और फिर फाइनली जाकर मेरे को जगह मिलेगी जो बिल्कुल सही जगह है किसके लिए 22 के लिए तो 22 विल अपीयर हियर yeah, 22 आपको यहां नजर आएगा नाउ कम्स 55 अब 55 देखो 93 से uh, 70 से कंपेयर होगा तो 70 विल अपीयर एट द एंड सेवेंटी यहां पर आ जाएगा इस जगह को छोड़कर नाउ इट विल बी कंपेयर कंपेयर करेंगे 66 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाती है नाउ इट विल बी कंपेयर्ड विद फिफ्टी सेवन तो फिफ्टी सेवन यहां पर आ जाएगा नाउ इट विल बी कंपेयर विद ट्वेंटी टू नो बेनिफिट इसको जाकर यहां रखते थे राइट तो ये हुआ हमारा कंप्लीट यहां तक और अब फाइनली अभी तक ये था एन बाई टू ये बाई फोर नाउ कम्स कि अब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को टेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहले टेन एंड ट्वेंटी टू को कंपेयर करते हैं ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू को कंपेयर करते हैं ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव को कंपेयर करते हैं फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन को कंपेयर करते हैं तो यहां पर क्या होगी स्वैपिंग तो यहां पर आ जाता है ट्वेंटी सेवन सॉरी यहां पर क्या था हमारा यहां पर ट्वेंटी सेवन यहाँ पर फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन को एक्सचेंज कर देते हैं लाइक दिस ओके इसके पहले भी आप कंपेयर कर सकते हो ठीक है नाउ कम्स वो ऑलरेडी सॉर्टेड है नाउ कम्स वन स्मॉलर देन फिफ्टी सेवन फोर्टी वन इज स्मर तो एक एक पोजिशन शिफ्ट होती रहेगी आगे आगे तो पहले तो यहां से फोर्टी वन को हटा देंगे एक टेम्परिरी वेरिएबल में रखेंगे देन 57 को लिखकर आ, आ जाएंगे यहां पर और फिर 41 को लिखकर आ जाएंगे यहां। क्योंकि जब मैं one by one तो जब मैं कंपेयर करना शुरू तो तक उससे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे मेरे कुछ -कुछ को उसको उसको इंसर्ट करके बेसिकली। है, है, अब भी this, तो पहले ही कंपेरिजन में हमें समझ आ जाएगा कि 93 आना चाहिए हम लोगों का लास्ट में और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 70 सेवनटीट सो दिस इज व्हाट द दल्गोरिदम ऑफ शेल सॉर्ट इज दिस इज द वर्किंग ऑफ शेल सॉट की सॉर्ट कैसे काम करता है तो so सिंपली एक आपको एक एरे गिवन था उस एरे के अंदर सबसे पहले एक गैप को लेकर चलते हैं दैट इज एन बाई टू जनरली एन बाई टू मतलब एरे का हाफ करते हैं और जीरो इंडेक्स और हाफ इंडेक्स एलिमेंट को लेते हैं उतना जो गैप आता है वो आगे आगे तक कॉन्टिन्यूसली हम मूव करते रहेंगे फॉर वेरी फर्स्ट हाइट्रेशन में वो गैप और कम होगा थर्ड हाइट्रेशन में वो गैप और भी कम होगा तो इन ईच हाइट्रेशन वो जित वो जो गैप है आपका हाफ होता चला जाएगा और एट एंड यू विल गेट विलेट सॉर्टेड एरे तो ये जाकर फॉलो करता है किसको ये फॉलो करता है इंसर्शन सॉर्ट को साथ साथ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेल सॉर्ट दिस इज़ शेल सॉर्ट मेथड अब सबसे पहला काम क्या करते हैं इसको आप एक एरे पास करोगे और एक एन पास करोगे तो हम लोग लूप कहाँ से शुरू करने वाले हाफ ऑफ दी एरे के मिड से स्टार्ट करना है 0, और को हर बार आप डिवाइड बाय टू करते हुए चलोगे तो सबसे पहला यही हम लोगों का स्टेप होता है क्योंकि शेल सीक्वेंस क्या होती है एन बाई टू कॉमा एन बाय फोर

इंडेक्स ऑफ दैट तो जे वेरिएबल में जाकर उसके इंडेक्स भी स्टोर कर लेते हैं अब actually, ये जे इज जरूरी नहीं है लेना या फिर, देखो आपके दो है या तो आप एक फोल्ड लुप यूज कर सकते हैं, और अगर आप एक करते हैं तो उसके लिए आपने जे को इनिशलाइज किया अब आके आप वाइल यूज कर सकते हैं फोल्ड तो फोल्ड लुप के अंदर इनिशलाइज हो जाएगा आई एम गोइंग टू यूज अ वाइल जे इज ग्रेटर टू गैप एंड एरे स्क्वायर ब्रैकेट जे माइनस कैप इज ग्रेटर हम लोगों ने इसको स्वैप करने के लिए सबसे पहले एरे के जे पर डाल देना है एरे का जे माइनस कैप एलिमेंट फाइनली जे को माइनस इक्वल्स टू क्या कर देंगे कैप एंड आफ्टर दिस लूप एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू इम्प्लीमेंटेश समझने में हमें लगता है कि हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं ओके सो विल अंडरस्टैंडिंग इट स्टेप बाय स्टेप बट लेट फर्स्ट ट्राई टू एक्स्यूट एन सी इफ दॉर्टेड और नॉट तो पहले इतना चेक करते हैं कि एर हमारा सॉर्ट हो जाता है कि नहीं

So, number of elements you have is 8. आपके पास हैं तो आपने बोला uh, gap कहां से start होगा फोर हो के साथ ऑल राइट ठीक है आई की वैल्यू फोर है आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है तो फोर के बाद फाइव आएगा आई फिर सिक्स आएगा फिर सेवन आएगा तो आई चार बार चलने वाला है okay.

वैल्यू कितनी है चार तो ग्रेटर माइनस चारेटर में क्या पड़ा बारह तो की जीरो इंडेक्स पर जो है पांच है क्या पांच बारह से बड़ा है नहीं पांच तो बारह से बड़ा नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि देखो शफलिंग तो तभी हो सकती है ना जब वो जो जीरो इंडेक्स इंडेक्स वाला वाला एलिमेंट एलिमेंट है अगर ये बड़ा होता 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 और फोर्थ इंडेक्स छोटा होता, तो ए, तो तो वी वुड हैव इसको शफल कर दिया होता। तो इस तरीके से हम की में हम की फर्स्ट में देख सकते हैं कि 5 12 है यहां से हम लोग देखते हैं कि किस इंडेक्स पर हमें जाकर कंपैरिजन करना है सो नाउ इफ दिस इज फाइव इट इज सेइंग कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू गैप अब क्योंकि हमने जब आई को इंक्रीमेंट किया बाय वन और टेम्प में जाकर रख दिया एरे ऑफ आई तो टेम्प किसको पॉइंट करता है अब टेम्प इज नाउ एक्चुअली पॉइंटिंग ट्वेंटी टू तो टेम्प पॉइंट कर रहा है ट्वेंटी टू को ऑल right. इसके बाद हमने लिखा वाइल जे इज ग्रेटर टू गैप जे की वैल्यू क्या रखी J is equals to I. J plus हो चुका है आपका अब की वैल्यू कितनी है वो तो अभी भी चार है तो जे इज ग्रेटर टू गैप की फाइव इज ग्रेटर टू फोर ट्रू एंड एरे एट फाइव माइनस फोर इज ग्रेटर देन टेम्प इसका मतलब एरे की फर्स्ट इंडेक्स पर जो है क्या वो ट्वेंटी टू से बड़ा है तो इज नॉट ग्रेटर देन ये भी नहीं चल पाएगा आगे बढ़ जाते हैं आई की वैल्यू हो जाती है सिक्स जे की वैल्यू भी सिक्स हो जाएगी जे विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू सिक्स नाउ यू विल डू सिक्स माइनस फोर तो सेकेंड फोर्टीन कंपेयर होगा सिक्स के साथ ये भी सॉर्टेड है नाइनटीन कंपेयर होगा थ्री के साथ ये भी सॉर्टेड है

तो i की वैल्यू क्या-क्या होगी इस बार i will be 2 3 4 5 6 7 8 7 तक तो ये होगा इस बार आपका i वेरिएबल हमने लिखा int j equals to i तो सबसे पहले temp वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा तो अब temp वेरिएबल कैसे पॉइंट करने वाला है लिखते हैं तो सेकंड इंडेक्स पे चलते हैं यानी कि 6 तो 6 को ऑब्वियसली 5 से कंपेयर करना है वी हैव टू कंपेयर 6 एंड 5 6 और 5 को कंपेयर करके आना है हमें तो जे की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास तो टेम्प की वैल्यू सिक्स है लेट मी राइट है टेम्प की वैल्यू हमारे पास सिक्स है जे बिकम्स आई दैट इज टू टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज जीरो इज ग्रेटर देन टेम्प तो क्या फाइव ग्रेटर देन सिक्स है नहीं इट्स नॉट ट्रू ओके परफेक्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं

आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से स्वैपिंग यहां पर काम कर रही है अब इन केस जब भी वो चीज ट्रू होगी तो ये जाकर क्या करके आने वाला है उसको स्वैप करने का लॉजिक लिख कराते हैं हम सो सोर वी आर एक्चुअली डूइंग स्वैपिंग पार्ट स्वैपिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर एरे के जे पर जे माइनस गैप को डालते हैं तो यानी कि उतनी पीछे गैप में उतने पीछे जाकर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको एरे के जे पर डाल दिया और जाकर जे में टेम्प तो ये कंप्लीट एक स्वैपिंग का कोड हम लोगों का चलना शुरू हो जाता है दिस इज हाउ शेल शॉर्ट इज इम्प्लीमेंटेड दिस इज हाउ शेल शॉर्ट एक्चुअली वर्क इस तरीके से काम करता है हमारा शेल शॉर्ट